नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल द ब्रेडो में, और मैं हाजिर हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हमारा चल रहा था इसमें सिद्ध साहित्य आदिकाल के अंतर्गत, और उसका मैंने पहला वीडियो डाल दिया। अगर आपने पहला वीडियो नहीं डाला है, देखा है, तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत मैंने जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य क्या था, उसकी क्या विशेषताएँ थी, और उसमें मैंने आपको सरहप्पा हो गया, सबरपा, लुईपा, इन आदि सन ये जो अपने सिद्ध कवि थे, इनकी मैंने विवरण उसमें दे दिया है दोस्तों। अब आज हम बात करेंगे डेंगीपा की। डेंगीपा के बाद हम बात करेंगे जैन मत और साहित्य की, जैन मत की। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगा, यदि आपको मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। उससे क्या होता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट या मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो को, समय न लेते हुए ज़्यादा। डोंगीपा दोस्तों, अगले कौन आ रहे हैं? डोंगीपा। और डोंगीपा का जो जन्मकाल या कार्यकाल है 840 ईस्वी है। इनके 21 ग्रंथ है, जिनमें देखो, इसके लिए देखो एक तरीका मैं तुम्हें सिंपल सा बता देता हूँ। आज डोंगीपा की याद आ गई, क्या आ गई? कहीं कहीं पे डोंगीपा की क्या आ गई है? दो दोस्तों, जैसे हम बोलते सरहापा, लुईपा, सबरपा, डेंगीपा, तो इन सब के पीछे क्या जुड़ रहा है? पा। पा एक आदर्श वाक्य, आदर्श सम्मानजनक शब्द होता है, ठीक है ना? इसलिए सबके पीछे क्या जुड़ा हुआ है? पा। तो आगे बढ़ते हैं हम। मैंने क्या बोला आपको? डोंगीपा की याद। अब याद से देखो क्या है, वाय से होता है योगचर्या। क्या होता है? योगचर्या। ए से होता है अक्षर द्वि को उपदेश। द्वि को अक्षर द्वि को उपदेश, योगचर्या अक्षर द्वि को उपदेश। डी से था डोंबी गीतिका, डोंबी गीतिका। देखो दोस्तों, याद, डोंबी पाकी याद। तो याद से, वाई से योगचर्या, ए से अक्षर द्वि को उपदेश, और डी से डोंबी गीतिका है। डोंबीपा के गुरु, डोंबीपा वीरूपा के शिष्य, मतलब वीरूपा के शिष्य कौन है? डोंबीपा। और डोंबीपा के गुरु कौन है? वीरूपा, है ना दोस्तों? अगले में आ रहे हैं नाम कणप्पा का। किनका दोस्तों? कणप्पा के पद बहुत पूछे जाते हैं। इनका जन्म है 820। इधर देखते हैं, डोंबीपा का जन्म क्या था? 840। देखो इसमें थोड़ा सा ना जन्मों को लेकर ऊपर नीचे है। कैसे? देखो सबसे पहले आता है सरप्पा, मैं आपको बता देता हूँ सरप्पा का क्या था, 779। फिर मैंने आपको बताया था कौन? सबरपा। कौन बताया था दोस्तों? सरप्पा के बाद क्या बताया था मैंने आपको? सबरपा। इनका जन्म था 780। फिर मैंने था लुईपा 773। फिर देखो लुईपा के बाद कौन आ रहे हैं? देखो अब डोंबीपा, जन्म 840। फिर आ रहे हैं कड़प्पा, तो याद रखना ये जन्मकाल इनका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सरपा, सबरपा, लुईपा, डोंबीपा, कणप्पा, इनको बोलते हैं कि कर्म जन्म के काल के आधार पर जन्म लगाओ। तो पहले पे सरपा, सबरपा, लुईपा, डोंबीपा, कणप्पा। लेकिन अब हमने पढ़ते समय तो ने ऐसा पढ़ लिया, लेकिन जन्म काल के आधार पर क्या करेगा? लुईपा आगे चले जाएगा। ऐसे कर देंगे, देखो एस, मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो एस एल एस, सरप्पा, लुईपा, सबरपा, के डी, एस एल एस के डी, मतलब सरप्पा 869, सॉरी 769, लुईपा 773, सबरपा
अस्सी, कणप्पा 820, डोम्बिप्पा 840। तो ये हो जाएगा एस एल एस एल एस के डी। जी हो गया दोस्तों जन्मकाल के आधार पर। कड़प्पा की बात करते हैं, देखो अब कड़प्पा की पुस्तक कौन सी है, देखो चर्या चर्य विनिश्चय कणह पाद गीतिका। कणह पाद गीतिका तो हम ऐसे पकड़ लेंगे, लेकिन कड़प्पा क्या कर देंगे आप चर्या चर्य विनिश्चय। और चर्यापद वहीं पर किसका था, इधर देखेंगे चर्यापद किसकी थी, तो चर्यापद थी सबरपा की। किसकी दोस्तों, इधर देखो सबरपा का क्या कोड है, इधर देखो याद रख सको तो MCV। सबरपा का क्या कोड है, देखो सबरपा का होता है MCV। MCV से होता है महा मुद्रा वज्र गीति, सी से चर्यापद, और वी से होता है वज्र योगिनी साधना। तो सबरपा में देखो महा मुद्रा वज्र गीति चर्यापद वज्र योगिनी साधना। उसी प्रकार से चर्याचर्य निश्चय, देखो चर्यापद जाएगा तो सबरपा का है, महामुद्रा वज्र गीति सबरपा का है, वज्र योगिनी साधना किसका है सबरपा का है। लेकिन कणप्पा की बात करें चर्याचर्य निश्चय और कणपाद गीति का किसकी है, कणप्पा की है। कणप्पा का जन्म देखो कब हुआ है, जन्म कहाँ हुआ है, कर्नाटक में, कर्नाटक में, और कब 820 में। कर्म क्षेत्र था इनका बिहार का सोमपुरी। कणप्पा ने किसको पकड़ा था, कणप्पा ने करा था बिहार के सोमपुरी को पर अपना कर्म क्षेत्र बनाया था दोस्तों। एक चीज और थी इसमें, गुरु इनके क्या हैं, जलंधर पा। तो मैंने कैसे याद रखा था, वो कणप्पा को कण कण में जल, कण कण में जल। तो कण कण में कणप्पा और गुरु के नाम क्या जलंधर पा। राहुल सांकरत्यान ने स्टमक पॉइंट भाई देखो, राहुल सांकरत्यान ने लिखा है कणप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कणप्पा जो थे पांडित्य और कवित्व में क्या थे, बेजोड़ थे। सरप्पा के दोहा कोश में, सरप्पा के दोहा कोश में तीन लोगों के दोहे सम्मिलित है, KTS। KTS मतलब कणप्पा, टी से तिलप्पा और एस से होता सरप्पा। मतलब किस किस के दोहे शामिल थे, के कहाँ रह जाए, KTS। KTS मतलब कणप्पा, तिलप्पा और सबरपा, सरप्पा। क्वेश्चन बनता है कि सरप्पा का जो दोहा कोश था उसमें कितने को दोहे संग्रहित थे, तुम बोलते तीन लोगों के थे भाई। एक तो सरप्पा का था तो सरप्पा खुद हो गया, तिलप्पा और कणप्पा आपको याद रखना है दोस्तों। अगली लाइन देखो, हरप्रसाद शास्त्री जी की है, बहुत बढ़िया है। हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला में, कौन किस भाषा में, बांग्ला में बौद्ध गान और दोहा का संपादन किया था दोस्तों। तो बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया था, हरप्रसाद शास्त्री ने, और किस भाषा में किया था, बांग्ला भाषा में किया था। अगली लाइन वो क्या आ रही है, सिद्धों ने महामुद्रा का अर्थ सिद्धि प्राप्ति हेतु, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग होता है। UGC नेट बनाओ क्वेश्चन कि इस सिद्धों में महामुद्रा का अर्थ क्या है, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग होना। अब देखो अगली लाइन क्या आ रही है इसमें, एक मिनट, बहुत बढ़िया लाइन थी आपकी। और याद रखना बच्चन सिंह ने लिखा है सरहप्पा के लिए, किसके लिए लिखा दोस्तों, बच्चन सिंह ने सरहप्पा के लिए लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है। ये लाइन किसकी थी, ये कथन किसका था, तो दोस्तों बच्चन सिंह का था। अब हम बढ़ते हैं जैन मत
और साहित्य की। तो अभी हमने पढ़ा था सिद्ध साहित्य, अब हम पढ़ रहे हैं जैन मत, जैन साहित्य। दोस्तों कौन सा साहित्य पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। क्वेश्चन बनना है सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा। सिद्धों का प्रभाव भारत भारत के पूर्वी भागों में कहां पर दोस्तों, पूर्वी भागों में अधिक रहा, तो नाथों का पश्चिम भाग में था। जैन मत से संबंधित रचनाएं, जैन मत से संबंधित क्या दोस्तों, रचनाओं में देखते हैं सबसे पहली चीज कौन सी आ रही है, पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा या लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित काव्य आदि लिखे गए थे। चरित काव्य दोस्तों आता भी है कि आदिकाल के अंतर्गत सबसे ज्यादा चरित काव्य किसने लिखे थे, तो आंसर जाता है जैन मतों ने। बहुत बड़ा प्रश्न बताया है यहाँ पे, पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा, देखो जीवन कथा या लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित काव्य आदि लिखे थे। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि आदिकाल में सर्वाधिक चरित काव्य किस में लिखे, किस मत ने लिखे हैं, तो जैन मत ने। अब बात करते हैं स्वयंभू, सबसे पहला नाम किसका आया है, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जिंदत सूरी, जिंदत सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैन आचार्य मेरुतंग आदि जैन कवि हैं। देखो स्वयंभू जैन कवि है, पुष्पदंत जैन है, धनपाल जैन है, जिंदत सूरी जैन है, हेमचंद्र जैन है, सोमप्रभ सूरी जैन है, जैन आचार्य मेरुतंग जैन है आदि जैन कवि हैं। दोस्तों अब पढ़ते हैं आगे की तरफ, एक लाइन थी यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे दिख जाए तो दिखनी तो चाहिए, एक मिनट है, एक सेकंड लूंगा मैं, ज़्यादा नहीं। हाँ पुष्पदंत के बारे में बता रहा हूँ, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का प्रथम कवि माना था, यह हमें पता ही है। तो पुष्पदंत से क्या बोला जाता था कि अब ये भी पुष्पदंत प्रारंभ में शैव मत के थे, किंतु आश्रयदाता के अनुरोध पर वो कैसे हो गए, जैन हो गए। ठीक है दोस्तों, कौन हो गए, वो भी जैन हो गए। पुष्पदंत का नाम आया था तो पुष्पदंत की मुझे एक लाइन याद आ रही थी, तो इसलिए मैंने तुम्हें बताना उचित समझा। तो पुष्पदंत प्रारंभ में शैव थे, लेकिन बाद में किसी आश्रयदाता के कहने पर वो जैन हो गए थे। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही, उनसे संबंधित मुख्य तथ्य। रास काव्य परंपरा क्या होती है दोस्तों, रासो वो थी जब किसी चारण कवि द्वारा या फिर किसी आश्रयदाता कवि द्वारा अपने राजा का वीरतापूर्णक युद्ध वाला जो जीवन चरित्र था, जब वो लिखा जाता था वो कैसा कहलाता था, रासो कहलाता था। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल को बीसल देव को रासो कहना खटकता है, क्योंकि वो कैसी है, एक श्रृंगार शांत ऐसी वाली, वो प्रेम में विरह वाली वो रचना है, के पद में है वो, इसलिए उसको वो रासो के अंतर्गत नहीं शामिल करते हैं। अगला पॉइंट देखो क्या बनना है, प्राचीनतम ग्रंथ। तो जैन साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा था, रिपु धारण रास, कौन सी भाषा में, देखो संस्कृत भाषा में है, और बोल रहे हैं दशरथ ओझा द्वारा, समय इसका 905 बताया गया दोस्तों। तो जैन संबंध, जैन जो जैन मत था उससे संबंधित सबसे प्राचीन जो ग्रंथ मिला वो रिपु धारण रास था, लेकिन रिपु धारण जो रास है उसकी भाषा क्या है दोस्तों, संस्कृत भाषा है, और संस्कृत भाषा में उतना क्वेश्चन नहीं बनता जितना बनता है अपभ्रंश का प्रथम क्वेश्चन, क्या बनता है दोस्तों, प्राचीनतम, देखो और एक मिनट,
मैं भी जाऊंगा। चलो हम इसे ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। अपभ्रंश का प्रथम जैन काव्य एक प्रकार से तो उपदेश रसायन रास जिंदत सूरी 1114। तो हमें पढ़ चुके हैं दोस्तों कि अपभ्रंश का प्रथम जो था अपभ्रंश भाषा का, तो वह उपदेश रसायन रास और इन्हें जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम राज ग्रंथ भी स्वीकार किया गया था दोस्तों। उपदेश रसायन रास किसका है? जिनदत्त सूरी का है। आगे बढ़ते हैं हिंदी का प्रथम, हिंदी में प्रथम, तो हिंदी में प्रथम जैन रास काव्य जो है भरतेश्वर बाहुबली है। कौन सा दोस्तों? भरतेश्वर बाहुबली है, जिनके लेखक है शालीभद्र सूरी और उसका रचना काल माना जाता है 1184 ईस्वी। अगला है प्रथम जैन रास काव्य परंपरा के अंतर्गत पहला धर्म एतर, धर्म एतर का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें धार्मिक रचना ना कही हो, जिसमें धार्मिक बातें ना करी गई हो, इसमें वो बोलते हैं संदेश रासक, ये था अब्दुल रहमान का। और अब्दुल रहमान को ही अधर्माण भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अधर्माण। अधर्माण भी कहते हैं किसको? अब्दुल रहमान को। एक ऐसा मुस्लिम लेखक जिसे मुस्लिम होने का बार बार प्रमाण दिया जाता था, या उसके द्वारा बार बार मुस्लिम होने का प्रमाण दिया जाता था, वो कौन थे? तो अब्दुल रहमान थे। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि मुस्लिम भाषा के मतलब देसी भाषा में रचना करने वाले पहले मुस्लिम अगर कोई कवि थे तो कौन थे? अब्दुल रहमान थे। और उन्होंने क्या लिखा था? संदेश रासक लिखा था दोस्तों। ये 12वीं सदी के तो उत्तरार्ध में था और 13वीं सदी के पूर्वार्ध में लिखा गया था। इसकी एक और खासियत थी कि ये विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा है दोस्तों। क्या है ये? विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा थी। और संदेश रासक में जहाँ तक मुझे लगता है इसमें 80 खंड थे। कितने थे? एक खंड काव्य तो है, मुझे एक मिनट में, एक सेकंड लगेगा, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी मुझे दिख तो रहा नहीं है, लेकिन अगर दिखेगा तो मैं कमेंट में पिन जरूर कर दूंगा। किसकी बात चल रही थी हमारी? उपदेश रसायन रास की। उपदेश रसायन रास तुमने कर लिया था। संदेश रासक, संदेश रासक में 205 छंद है भाई। सॉरी, संदेश रासक में मुझे नहीं मिल पा रहा है, एक मिनट में देख लूँ, 2 मिनट लगेगा जरूर, लेकिन इसका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं मिल रहा हमें ये, संदेश रासक नहीं मिल पा रहा है, तो बाद में मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा उसका। संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान की। अब देखो उसमें क्या बोल रहा है। हिंदी का पहला ऐतिहासिक राज ग्रंथ, ऐतिहासिक राज ग्रंथ कौन सा था? पंच पांडव रचित रास। तो वो पंच पांडव रचित रास, पंच पांडव रचित रास किसके दोस्तों? तो पंच पांडव रचित रास है आपकी शालीभद्र सूरी की। शालीभद्र सूरी द्वित्य लिखा आता है वहां पे, 1350 इसका सन जाता है, ठीक है दोस्तों। प्रथम ऐतिहासिक राज ग्रंथ कौन सा था? पंच पांडव रचित रास 1350। और इसे हम बोलते हैं कि शालीभद्र सूरी द्वित्य। आगे बढ़ते हैं, देखो शालीभद्र सूरी का नाम आ गया, देखो उधर इसमें लिख भी रखा हुआ। देखो चलो आ तो गया, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। शालीभद्र सूरी, शालीभद्र सूरी के बारे में देखो क्या बोल रहा है। जिंदत सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। क्लियर? अब ये बोल रहा है 12वीं व 13वीं शताब्दी में जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा गया वही रास साहित्य कहलाता है। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया उसने। क्या कर दिया क्लियर? देखो 12वीं 13वीं शताब्दी में जैन कवियों द्वारा अपने धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा गया, मतलब रास जो राज ग्रंथ होते थे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए रचित हुए थे। और वहीं पर रास जो थे वो चारण कवियों द्वारा, आश्रयदाता कवियों द्वारा अपने
राजा का वीरता पूर्णक वर्णन करते थे उसमें, उस तो उसको कहते थे रासो। और जब कोई कवि कोई अपना कहते थे कि कोई जो कवि होते थे अपना पंथ अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचता था उस साहित्य को हम रास साहित्य कहते थे। तो रास साहित्य रासो साहित्य क्लियर हो चुका होगा। अगला पॉइंट आ रहा है शालीभद्र सूरी। तो शालीभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली है दोस्तों। क्या है दोस्तों? भरतेश्वर बाहुबली है। भरतेश्वर बाहुबली की खासियत देखते हैं हम दोस्तों। यह 1184 ईस्वी में लिखा गया था। यह 205 छंद का खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली 205 छंद का खंड काव्य दो भाइयों पे है दोस्तों। इसमें दो भाई हैं, एक का नाम है भरतेश्वर, दूसरे का नाम है बाहुबली। ठीक है, एक अपना जैसे कि एक तक्षशिला साइड में राज, दोनों अलग अलग क्षेत्र के राजा हैं ये। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला पॉइंट आ रहा है भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन मुनिजीन विजय ने किया था दोस्तों। किसने किया था? मुनिजीन विजय ने। तो भरतेश्वर बाहुबली का संपादन किसने किया? मुनिजीन विजय। संपादन कार्य किसका? भरतेश्वर बाहुबली का। कितने में थी? 1184 में। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आ रहा है भरतेश्वर बाहुबली की एक और खासियत थी, इसमें लिखा नहीं है वैसे तो वो, हाँ ये तो है, हिंदी में प्रथम। हिंदी में प्रथम मतलब कि जैन रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने वाले भी पहले व्यक्ति कौन थे? भरतेश्वर बाहुबली थे। याद रखना, जैन साहित्य का जैन जो साहित्य है उसको हिंदी में कन्वर्ट करने वाले कौन थे? भरतेश्वर बाहुबली ही थे। अगला लाइन आ रहा है शालीभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्धि रास। नेट में पूछ लिया गया क्वेश्चन भाई, नेट में आया क्वेश्चन है शालीभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्धि रास का संपादन या संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था दोस्तों। शालीभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? बुद्धिरास। और बुद्धिरास का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था। गणपति चंद्र ने शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। किसने दोस्तों? गणपति चंद्र गुप्त ने शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना था। पंच पांडव चरित रास भी शालीभद्र सूरी द्वितीय का लिखा गया माना जाता है। देखो, पंच पांडव चरित रास भी शालीभद्र सूरी का द्वितीय का द्वारा लिखा गया है। यह हिंदी रास परंपरा में प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। इसे पंद्रह सर्गों में विभाजित किया गया है और इसका काल है 1350 ईस्वी। मैंने अभी तुम्हें बता दिया था 15 सर्गों में 1350 पहली ऐतिहासिक रचना। ठीक है, हिंदी राज परंपरा की। तो वो जैन साहित्य को हिंदी में परिवर्तित करने का नाम किस काम किसका क्या था? भरतेश्वर बाहुबली ने किया था। सॉरी, किसने किया था? शालीभद्र सूरी ने किया था, जिन्होंने पहले क्या लिखी थी? भरतेश्वर बाहुबली, जिसका संपादन किया मुनिजीन विजय ने और 1184 में लिखी गई थी भरतेश्वर बाहुबली। और यह इसमें छंद थे 205 छंद। ठीक है, और वहीं पे हम बात करेंगे किसकी, हम बात करते हैं पंच पांडव चरित रास की। तो इसको लिखा गया है 1350 ईस्वी में, 15 सर्ग में इसे मिलते हैं और हिंदी राज परंपरा का इसे प्रथम ऐतिहासिक रचना भी माना जाता है। अब बात करते हैं देवसेन की। दोस्तों, देवसेन से क्वेश्चन बनते हैं नेट में। देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ, देवसेन का क्या दोस्तों? प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रावकाचार, 933 ईस्वी में है। इसको नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। तो दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि श्रावका को माना जाता है और हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है श्रावकाचार को, जो 933 में लिखी गई थी। और लिखी किसने थी? देवसेन ने। तो वो श्रावकाचार में 202 दोहे, कल के वीडियो में, कल रात ही जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें मैंने आपको बताया था, जब सराहपा पढ़ा रहा था तब बताया था दोस्तों, श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। अगली लाइन आ रही है देवसेन के अन्य ग्रंथ तत्वसार
आराधना सार, दर्शन सार, भाव संग्रह, नए चक्र, सावधम धोआ। तो मैंने कैसे याद रखा है, देवसेन का टैड, टैड से क्या होता है देखो, तत्व सार, आराधना सार, दर्शन सार, भाव संग्रह, BNS, BNS। तो भाव संग्रह, नए चक्र और सावधम धोआ। तो मैंने कैसे याद किया है, देवसेन का टैड, तत्व सार, आराधना सार, दर्शन सार, फिर मैंने लिखा BNS, भाव संग्रह, नयन चक्र और सावधम दोहा। लाइन आ रही है, बहुत बड़ी लाइन है कि देवसेन के नए चक्र को लघु नए चक्र नाम दिया जाता है। देवसेन की जो रचना है नए चक्र, उसे लघु चक्र के नाम से जाना जाता है। वृहद नए चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने की थी, जो देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। तो इनके जो शिष्य थे माइल धवल, उन्होंने वृद्ध नए चक्र की रचना की थी, और लघु नए चक्र की रचना किसने करी है, देवसेन ने। और लघु नए चक्र का मतलब है नए चक्र, क्योंकि नए चक्र को ही लघु नए चक्र कहा जाता है। और वृद्ध नए चक्र का रचना जो करी है वो देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया। दोस्तों अगली लाइन देखो क्या आ रही है, वृद्ध नए चक्र का वास्तविक नाम दव्य सहाव प्रयास है। पहले यह ग्रंथ दोहाबद्ध था, और दोहाबद्ध किस में था, अपभ्रंश में था, और बाद में किसी शुभंकर के कहने पर गाथाबंद प्राकृत हुआ था। दोस्तों ठीक है, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दव्य सहाव पवास या प्रयास की रचना माइल धवल ने की थी। दोस्तों दव्य सहाव प्रयास की रचना माइल धवल ने की थी। देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शन सार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है। देवसेन ने जैन धर्म के अनेक धर्मों की उत्पत्ति किसमें लिखी है, अपने ग्रंथ दर्शन सार में, और उनसे जैनाभास नाम दिया था। मतलब जो अनेक धर्मों की, अनेक संघों की उन्होंने उत्पत्ति बताई जैन धर्मों की, तो उन जो संघ थे उनका नाम क्या दिया था, उन्होंने जैनाभास दिया था। दोस्तों मैं फिर से तुम्हें बता देता हूं, एक मिनट, देवसेन का याद रखेंगे टैड, तत्वसार, आराधना सार, दर्शन सार, नए चक्र जिसे क्या बोला जाता है, लघु नया चक्र, ठीक है, लघु नया चक्र हो गया, एन बी से था भाव संग्रह, और एस से है क्या, सावधाव दोहा, सावधम दोहा। तो आशा करता हूं आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यकीनन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप UGC नेट हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, उससे बाहर नहीं आएगा। आप बस पढ़ते जाइए इन नोट्सों को, इन वीडियो को लिखते जाइए इनको, जब मैं क्विज चलाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने आपको क्या चीज़ दी है। दोस्तों तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को यहीं रोकते हैं। आशा करूँगा दी गई आपको वीडियो, आपकी दी गई आपको जानकारी काफ़ी हेल्पफुल होगी, और ये जानकारी अगर आपको वाक्य में कुछ मदद करती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।